अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सुखी बोंबिल के सालन की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह बोलकर हमने यहाँ पर 10 से 12 सूखे बोंबिल लिए हैं। अब हम उसको अच्छे से साफ कर लेंगे। आगे और पीछे का निकाल लेना है और अच्छे से साफ करके पीसेस में कट कर लेना है। अब देख सकते हैं हमने यहाँ पर पीसेस में इसको काट लिया है। अब हम यहाँ पर एक बॉल में गर्म पानी लेंगे, हल्का गुनगुना पानी लेंगे, उसको एक मिनट तक इसमें रहने देंगे। एक मिनट के बाद हम इसको निकाल कर दो पानी से अच्छे से धो लेंगे। अब देख सकते हैं हमने इसको अच्छे से साफ कर लिया है। अब हम पैन में तेल गर्म होने के लिए रख दिए हैं। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें बोंबिल को फ्राई कर लेंगे। हमें यहाँ पे बोंबिल को लो फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हमें यहाँ बोंबिल को फ्राई करने के लिए 4 से 5 मिनट का वक्त लग सकता है। लो फ्लेम पर बहुत अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे बोंबिल बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम उसी ऑयल में हमने यहाँ पर 2 आलू को छिलका उतार कर इस तरह से काट लिया है, इसको भी फ्राई कर लेंगे। आलू को भी हमें लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। अब देख सकते हैं यहाँ पे आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम आलू को भी निकाल लेते हैं। अब हम पैन में से थोड़ा सा तेल साइड में रख देंगे। एक ही चम्मच तेल लेंगे, उसमें 2 बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे, हल्का गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर प्याज पे हल्का गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम उसमें 4 से 5 चम्मच सूखा नारियल को कद्दूकस करके डालेंगे और दोनों को अच्छे से भून लेंगे। अब देख सकते हैं नारियल और प्याज बहुत अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसे निकाल कर ठंडा कर लेते हैं। अब हम इसे ठंडा करके मिक्सी जार में डाल देंगे। 2 हरी मिर्च डालेंगे, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक के टुकड़े को हमने इस तरह से काट लिया है, थोड़ी सी हरा धनिया, थोड़ा पानी डाल के पेस्ट बना लेंगे। अब हम गैस पर फिर से वही पैन रखेंगे, उसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल के हल्का गर्म होते ही 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और उसी के साथ हम इसमें जो पिसा हुआ मसाला है उसको डाल देंगे और मसाले को बहुत अच्छे से भून लेंगे। जार में थोड़ा सा मसाला लगा था तो थोड़ा सा पानी डालकर उसको निकाल लेंगे। अब हम इसमें 1 बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे और ढककर टमाटर सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला। सभी मसालों को अच्छे से भून लेंगे। अब देख सकते हैं सभी मसाले बहुत अच्छे से भून चुके हैं, तेल ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए आलू और बोंबिल डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें जितनी ग्रेवी चाहिए हम उसमें उतना पानी ऐड कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने इसमें पानी ऐड कर लिया है। अब हम इसे ढककर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे बोंबिल और आलू का सालन बहुत अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। बस ये बनकर रेडी हो चुका है।
अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना मत भूलना, कमेंट में जरूर बताना कैसी लगी हमारी रेसिपी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में हमें याद रखना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।